हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 41 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करते हुए आ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। उसी कड़ी में हम लोग एक्सरसाइज केसी सिन्हा का 23.7 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले को इसका जो लेक्चर नंबर 38 एंड 39 आप लोग ज़रूर देख लें, तब आप लोग को वहां से आइडिया मिल जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें हम लोग वहाँ उसमें डिस्कस किए हुए वर्किंग रूल वगैरह, तो वहाँ से समझ में आ जाए, पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4 बोलता है 1 + x² dy/dx + 2xy = 4x². चलिए इसका हम लोग यदि सॉल्यूशन करें, क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx + 2xy = 4x². अब यदि इसको आप चेक करना है कि मेरा होमोजीनियस, डायरेक्ट यदि बोल देगा क्वेश्चन कि इसको सॉल्व करें, तो वहां से आपको ये पता नहीं चलेगा कि होमोजीनियस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है। तो उस केस में हमको पहचानने के लिए वेरिएबल से जितना भी नियम बताएंगे उसको ध्यान में रखना जरूरी है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट हो जाता था। यदि इसको चाहिएगा डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट करना, मतलब एक्स वाले टर्म को dx की तरफ, y वाले टर्म को dy की तरफ, तो सेपरेट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आता है क्या चीज़, होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, dy/dx का यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है 4x² - 2xy यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 + x². अब ये मेरा जो फंक्शन है इसको क्या मानते थे, f(fxy). यदि x के जगह पर हम लोग kx पुट करें और y के जगह पे ky पुट करें, तो ये RHS में जो फंक्शन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का है कि f kx ky का वैल्यू f xy ही रहना चाहिए, तब मेरा फंक्शन होमोजीनियस होता था। इस केस में देखिएगा तो आपका वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये होमोजीनियस भी नहीं होगा। तो अंतिम मेरा क्या बच जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म बताए थे यदि याद होगा तो गौर कीजिए, उसमें बोले थे कि dy/dx + py = q, या तो फिर dx/dy + px = q। जब dy/dx के फॉर्म में होगा तब p और q सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन या तो कोई कांस्टेंट। जब dx/dy के फॉर्म में होगा इस फॉर्म में, तब p और q सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन या तो कोई कांस्टेंट, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वेरिएबल सेपरेबल में भी नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, ये तो ऐसे भी लग, अभी देखने से लग रहा है कि मेरा लीनियर भी नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में देखिए, ये डेरिवेटिव जो dy/dx है तो dx/dy है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे dy/dx का कोफिशिएंट कितना है, 1 + x². तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला मेरा क्या काम है, इस dy/dx के कोफिशिएंट को 1 करना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, थ्रू आउट 1 + x² से डिवाइड करना होगा। तो कर देते हैं डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को एक मेरा आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको हम सजा के यदि लिखें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, यदि ध्यान दीजिएगा तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये मेरा p जो है ये भी मेरा कैसा फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन, ये भी मेरा क्या है x का फंक्शन। इसको लिख सकते हैं दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, ये मेरा है dy वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको यदि वाई का कोफिशियंट पी, तो ये मेरा जो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्यू का वैल्यू है, इस फॉर्म में है। वेयर पी का वैल्यू कितना है, वाई का कोफिशियंट पी, यहाँ पे वाई का कोफिशियंट कितना है, टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू का वैल्यू कितना है, फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये मेरा क्या निकल गया, पी और क्यू का वैल्यू। सिंपली इसको आप इतना ना करके लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद या स्टैंडर्ड फॉर्म इसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद पी क्यू निकालने के बाद का जो स्टेप हम लोग का क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी का वैल्यू कितना है, टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यदि कुछ इस इंटीग्रेशन को यदि ध्यान में आ रहा होगा आपको, तो इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग बहुत बार डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज किए हैं। जब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आप इसका ऑब्वियसली बहुत बार यूज किए होंगे, तो यदि इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या तो फिर इसको यदि हम आई मान लें, इस तरह को यदि आई मान लें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे पुट क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स। देखिए अब जीरो प्लस मतलब क्या बचेगा, सिर्फ टू एक्स डी एक्स ही बचेगा। अब टू एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी। अब यहाँ पे देखिए टू एक्स डी एक्स है, तो देयर फोर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू डी टी हो जाएगा, डी टी बाय टी इंटीग्रेशन, और वन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। ये मेरा हो जाएगा लॉग टी, मतलब हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज कर देंगे, इसका यूज किसमें कर देंगे, इसमें। तो तब मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई एफ इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आया बच्चों, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया, तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बेस में क्या होता है ई, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वन प्लस एक्स स्क्वायर। इतना यदि आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, या तो फिर इसको आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा इंटीग्रेशन है, इसका हम लोग यूज बहुत बार कर चुके हैं। आप यदि मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकलता है
तो उसके बाद का जो स्टेप हम लोग का क्या होता है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब बताइए वाई तो वाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, ये है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल कैंसल, अब ये मेरा क्या बच गया वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये मेरा क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये मेरा क्या हो जाएगा, इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, या तो बोलिए इसको क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देयरफॉर इसको एक बार और लिख देते हैं, क्या किया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया इसका आंसर, इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इंडिपेंडेंट हैं। ये मेरा क्या आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5, यह भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। यदि इसका हम लोग सॉल्यूशन करें, ये क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमको इस फॉर्म में लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या है 1, यहाँ पे कोफिशियंट क्या है एक्स, तो इसके कोफिशियंट को क्या करना होगा 1, तो उसको क्या 1 करने के लिए क्या करना होगा एक्स से थ्रू और डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, डिवाइड यदि करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। देखिए एक्स से एक्स कैंसल, देयरफॉर इसको और थ्री सजा के लिखें तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, इसको लिख सकते हैं दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म
फॉर्म में बच्चों, ए डी वाई बाय डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। यहां से हम लोग कंपेयर करके p और q का वैल्यू निकालते हैं। वेयर p क्या होता है, तो p मेरा होता है y का कोफिशियंट। तो यहां देखिए y का कोफिशियंट क्या है, यहां p यहां y का कोफिशियंट कितना है 2 बाय x। तो जगह p इज इक्वल टू 2 बाय x एंड q का वैल्यू क्या है x log x। ये देख सकते हैं दोनों p और q मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, जैसा कि हम लोग का थ्योरी बोलता था, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए। अब p q निकालने के बाद अगला जो स्टेप हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का वैल्यू कितना 2 बाय x, तो जगह 2 बाय x dx। 2 को यदि बाहर कर दे हो जाएगा 1 बाय x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 2 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। 1 2 पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर। इस log का जो बेस क्या है e, इसका वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया x स्क्वायर। देयरफॉर ये जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना निकल के आ गया एक्स स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसके बाद अंतिम स्टेप होता है। तीन स्टेप बोले थे, पहला कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। यदि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो मेरा सब काम आसान है, यदि नहीं है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, वहां से कंपेयर करके पी क्यू का वैल्यू निकालिए। दूसरा स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है कि उसका सॉल्यूशन निकालना। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। वाई का वाई तो वाई हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना है एक्स लॉग एक्स, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए वहां जो आया है इंटीग्रेशन, वहां पे किसका किसका फंक्शन है, दो टर्म का प्रोडक्ट है। तो वह जो दो टर्म है क्या क्या है, तो एक मेरा एक्स क्यूब है, दूसरा क्या है लॉग एक्स है। एक्स क्यूब मेरा कैसा फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा क्या है लॉग मेरा क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चीज करेंगे, बाय पार्ट का यूज करना है, जैसा कि आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। तो बाय पार्ट में एक फॉर्मूला क्या था, ILATE, जिसको हम लोग क्या बोले थे ILATE। तो उस केस में देखिए पहला मेरा क्या आता है, L4 मेरा क्या है लॉगरिथमिक, आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड टी फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये वनली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वनली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन से कॉस ए कॉल, इनवर्स में हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स लाइक दैट, उस तरह से होगा। तो इसमें देखिए मेरा क्या है, एक मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन। ये मेरा दोनों में पहला कौन आता है एल की ए, इसमें एल। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको पहले बाहर रखेंगे, मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। खैर अब ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई
कितना हो जाएगा, लॉग एक्स है, लॉग एक्स बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस, ये फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन किसका, जो बाहर में था, क्या है बाहर में, लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी एक्स जो है इस इंटीग्रेशन के लिए है, और इस बाहर जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है इसके लिए हम क्या देंगे, फिर से डी एक्स प्लस सी टू, ये मेरा ऑलरेडी था, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आइलेट लगाए, लॉगरिथमिक फंक्शन एल पहले आता है उसमें, आइलेट में ए बाद में आता है, अलजेब्रिक बाद में, जो पहले आता है उसको बाहर रखें, अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन, फिर जो बाहर था मतलब तो लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन, और ए डी एक्स जो इस इंटीग्रेशन के लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए एक और हम डी एक्स देंगे प्लस सी। अब क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फोर माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर, और ये जब इतना आ गया ए डी एक्स तो कैंसिल हो गया, ए डी एक्स मेरा बच गया प्लस सी। यदि इसमें आप गौर से देखिएगा, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ पे x है, ये कटेगा कितना पावर बचेगा 3, अब मेरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर y इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को पहले लिख दो x क्यूब बाय 4 इंटू लॉग x माइनस 1 बाय 4 को भी बाहर कर दे, क्या बच जाएगा x क्यूब डी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाय फोर लॉग एक्स माइनस वन बाय फोर इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड होगा तो एक्स का पावर फोर और फोर से डिवाइड, मतलब एक्स रेज टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस सी, ये मेरा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय फोर एक्स क्यूब, सॉरी एक्स का पावर फोर होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब तो ऑलरेडी पहले से था, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का पावर फोर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मिस्टेक था, यहाँ पे एक्स का पावर क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स का पावर फोर होगा माइनस वो फोर फोर जा 16, ये हो जाएगा एक्स का पावर फोर प्लस सी। यदि इसमें हम लोग इसको आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या तो यदि इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसमें क्या एलसीएम आएगा बच्चों 16, क्या बच जाएगा 4 एक्स का पावर 4 लॉग एक्स माइनस एक्स का पावर 4 प्लस सी। इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 बाय 16 इंटू 4 एक्स का पावर 4 लॉग एक्स माइनस एक्स का पावर 4 प्लस सी। अब यदि इसके जो है गौर से देखिएगा तो आपका न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, वह कॉमन टर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का पावर फोर, यहाँ भी एक्स का पावर फोर, तो इन दोनों जगह से क्या कर सकते हैं एक्स का पावर फोर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यदि हम लोग कॉमन लें तब क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये तो 1 बाय 16 इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स रेज टू दी पावर 4 विल कॉमन डिवाइडेड बाय 16, क्या बच गया 4 एक्स का पावर 4 तो कॉमन ले लिया तो जाएगा 4 लॉग एक्स, 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, देयरफॉर मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये मेरा क्या आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज
द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आ तो फिर इसने गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल हो गया। यहाँ पे हम लोग देखें क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा दो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जिसका सॉल्यूशन जो था कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं लेकिन उसको बोल सकते हैं उतना आसान भी नहीं था। मतलब हम लोग को इंटीग्रेशन जो है जो देखें वो हमको भली भांति अच्छे से आना चाहिए, तब मेरा सॉल्यूशन जो है अच्छे से आंसर जो है मैच करेगा, अन्यथा नहीं मैच करेगा। हाँ एक बात और कि आंसर आपका मैच नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंसर मैच नहीं करेगा तो कुछ भी हम आंसर लिख देंगे, जो क्वेश्चन जो चेक जो आपका कॉपी चेक करेगा वो टीचर बेवकूफ नहीं होगा, वो आपका प्रोसेस जरूर चेक करेगा। तो इसलिए आप जो भी बना रहे हैं उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। इंटीग्रेशन में आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, अलग अलग मेथड यदि यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू अलग आ सकता है आंसर, तो इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन आपका सॉल्यूशन सही से होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।